अगर हिंदी सिनेमा अपना एक साहित्य गढ़ रहा है तो भाषा का कितना दायित्व रह जाता है फिर हिंदी सिनेमा जी सिनेमा भाषा के बारे में मैं शुरू से एक मेरा एक, मेरी एक बहुत अलग धारणा रही है और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती रही हैं उसके उसको लेकर के मुझे हमेशा लगता है कि हर चीज़ की एक अपनी भाषा होती है भाषा का एक पर्पज होता है भाषा का पर्पज होता है कि आप जो है अपनी बात जो आप सोच रहे हो वो आप सामने तक किसी तरह पहुंचा आप, कम्युनिकेट करना अगर मैं भाषा के बिना भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ तो मैं भाषा इस्तेमाल नहीं करूंगा और भाषा वैसी होनी चाहिए जो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखे आप इस बात में विश्वास करते हैं कि जो जैसे एक माँ ही अपने बच्चे को डांटती है ऐसे नहीं बोला करो क्योंकि वो कुछ ऐसा बाहर से सीख आया है जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है लेकिन मुझे तो लगता है वो सब मिलती है फिल्मों में जगह सभ्य समाज में उसको इतनी जगह मिलती है मैं तो सड़क पर रोज सुनता हूँ और और बहुत सभ्य लोगों से सुनता हूँ वो बस ये है कि जब हम हमारा हमारे दो हमारे हमारे दो चेहरे हैं एक चेहरा जो हम अपने ट्रस्ट स, सर्कल ऑफ़ ट्रस्ट में रखते हैं जहाँ पे हम पूरी आज़ादी फील करते हैं और जो चाहे कहते हैं और एक बाहर का चेहरा है जहाँ पे हम अपने आप को सामने वाले की नज़र से देख रहे हैं तो जब हम अपने आप को सामने वाले की नज़र से देखने देखना चालू करते हैं तो हम अपने आप को सभ्य होने की गाली देते हैं हम अपने आप को जबरदस्ती एक सभ्य बना देते हैं और जब हम किसी अपने आप को किसी और की नजर से देख नहीं रहे हैं और हम बस हैं तो फिर ये आम तौर पे मैंने अच्छे अच्छे लोगों को इस तरह की गाली देते वो सुना तो अगर सब के सब ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे तो इक्वालिटी हो जाएगी दुनिया में तो फिर साहित्य आज तक क्या होगा साहित्य साहित्य साहित मैं कौन काशीनाथ सिंह को आप साहित्य समझती हैं? मैं तो उनको बहुत बड़ा साहित्यकार समझता हूँ और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी साहित्यकार समझता हूँ जिनको जिनकी जिनकी शायद कभी किताबें पब्लिश नहीं हुई हैं और वो खड़े खड़े कहानियाँ बोलते हैं आजकल का एक नया साहित्य है जो स्टैंड अप कॉमेडियंस भी जब खड़े होकर हुए अपनी एक नई नई कहानी बनाते हैं वो भी एक अलग तरह का साहित्य है हम लोग साहित्य को और लिटरेचर को इतना लिमिटेड बना देते हैं कि उनको शब्दों तक सीमित रख कर देते हैं साहित्य जो है शब्दों में बंधा हुआ नहीं है साहित्य जो है शब्दों के बियॉन्ड है और सभ्यता के भी बियॉन्ड है साहित्य को मैं किसी तरह से लिमिटेड नहीं मानता हूं और उसको मैं साहित्य समझूंगा ही नहीं जिसमें पहले से इतने सारे अंकुश हों तो मुझे मैं मैं तो यह है कि कौन डिसाइड करता है क्या साहित्य है और क्या नहीं है मैंने कुछ बनाया आपको नहीं पसंद आया आप उसको रिजेक्ट कर दें हर आदमी को अपनी इंडिविजुअल आजादी होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए उसके लिए साहित्य क्या है एक जनरल डेफिनेशन जब हम किसी चीज़ के बनाते हैं मुझे लगता है हम उसको बहुत लिमिटेड कर देते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से हजार तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हर आदमी का अपना डेफिनेशन होना चाहिए हर चीज़ का सिनेमा मेरे लेके आए उनके लिए के आए दो अलग चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा है सिनेमा साहित्य तो उनके ले के आए और मेरे ले के आए वो दो अलग चीज़ें होनी चाहिए चीज़ वो जो जावेद साहब ने सुबह कविता पढ़ी थी कि सारे फूल अब एक ही रंग के होंगे तो प्रॉब्लम <laughs> तो वही हो जाएगी ना अगर साहित्य की एक डेफिनेशन आप लिमिट कर देंगे तो तो साहित्य की एक फूल अगर आप हो तो उसका रंग क्या होगा मैं तो कभी फूल नहीं बनना चाहता हमेशा से कांटा बनना चाहता था <laughs> फूल फूल बनने का जिम्मा बहुत लोगों ने ले रखा है, वो है। का, का रंग या वो हरा ही रहेगा कांटा बेरंगा हो तो ज्यादा अच्छा है <laughs> कांटा चुभना सही जगह चाहिए बस